गर्मियाँ अपने पूरे शवाब पे हैं, और कुछ लोगों के घर पे जो है वो एसी लगा हुआ है, और कुछ लोग प्लान कर रहे हैं नया एसी लगवाने का। अब जिन लोगों के घर पे एसी लगा हुआ है, चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो दिन रात चल रहे हैं एसी, तो और जो बिजली के बिल हैं उनके साथ सीन ये है कि हर साल जो है वो महंगाई के साथ में बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी कम हो रही है लोगों की और बिजली के बिल जो है वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि बिजली के बिलों से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मात्र एक बैटरी से आप कैसे और कौन से एसी को आप पूरे दिन और रात में जो है वो चला सकते हैं। बिजली के बिलों की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल आपका आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जो है वो तीन तरह के एसी हैं इस टाइम। एक है नॉन इन्वर्टर मॉडल, एक है इन्वर्टर मॉडल, और एक है सोलर एयर कंडीशनर। तो जो नॉन इन्वर्टर मॉडल हैं उनके पावर कंजप्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अगर आपको बैटरी के साथ में नाइट में यूज करना है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बैटरी बैंक आपको बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर भी आप लोगों को काफ़ी बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्टार्ट लोड जो है, जो जर्क लोड होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिनके पास में जो है वो नॉन इन्वर्टर एसी हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, पर जिन लोगों के पास में इन्वर्टर एसी हैं या जो लोग नया एसी बाई करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका एसी का जो बिल है वो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाना है। अब बात कर लेते हैं दूसरा एसी जो है वो है इन्वर्टर एयर कंडीशनर। और इन्वर्टर एयर कंडीशनर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो टू स्टेज में काम करता है, एक फुल पे और एक हाफ पे। तो मार्केट का जो सबसे ज़्यादा लीडर जो मॉडल है वो है 1.5 टन का एसी। 1.5 टन का एसी जो है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। 150 स्क्वायर फीट कमरे के लिए एयर कंडीशनर होता है। अगर आपका जो कमरा है वो लगभग 150 स्क्वायर फीट का है तो आप ये वाला एसी ले सकते हैं। अब इस एसी में दो बातें हैं कि एक तो यह है कि जो इसका मैक्सिमम लोड है वो करीब होता है 1600 से लेकर 1800-1900 वाट तक के इसके मैक्सिमम लोड होते हैं। अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों में मे बी पॉसिबल कि आपका एसी जो है वो 2000-2200 से ज़्यादा चला जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपके एसी जो हैं वो आपका जो स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक जो उसमें वोल्टेज दिया हुआ है आपके एसी में कि इतना मैक्सिमम लेगा, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। और अगर आपका इससे ज़्यादा जा रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी जैसे एक आध बारिश हो जाएगी वैसे ही आपके जो एसी हैं वो अपने नॉर्मल जो पावर कंजप्शन है उस पर आ जाएंगे। तो टू स्टेज में ये जो एसी है ये काम करता है, एक फुल स्टेज में और एक है हाफ स्टेज में। तो जो एवरेज माना जाता है 10 घंटे का 1.5 टन के जो इन्वर्टर एसी है, अगर 5 स्टार आपके पास है, वो किसी भी कंपनी का है, मतलब सबके जो हैं वो पावर कंजप्शन ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, तो 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर है उसके पावर कंजप्शन 10 घंटे के करीब आपको 6 से 8 यूनिट के बीच में मिलते हैं। गर्मियों के 10-15 दिन के टाइम को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जब पूरे भयानक वाली गर्मी है तो मे बी पॉसिबल कुछ ज़्यादा हो जाए, पर रेगुलर में आप लोग देखेंगे कि 6 यूनिट से करीब 8 यूनिट के बीच का 10 घंटे का जो पावर कंजप्शन उसका होता है। तो अगर आपको एसी अपना जो है वो 10 घंटे चलाना है, आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, तो मतलब करीब आपको 8 यूनिट की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो है वो 6 से 8 यूनिट के बीच में आपका ले सकता है। तो 8 यूनिट का मतलब है कि आपके पास में इतना बड़ा बैटरी बैंक होना चाहिए जो 8 यूनिट को आपके को चला सके। अब 8 यूनिट आपको ये खर्च कैसे होंगे, ये ऐसे खर्च होंगे कि अगर आपका दिन में एयर कंडीशनर चलता है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दिन में अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है अपने घर पर तो सोलर प्लस बैटरी दोनों को मिक्स करके आपका जो है लोड वो चल जाएगा। अगर आप रात में चलाते हैं वहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि रात के लिए इतना बड़ा आपके पास बैटरी बैंक होना चाहिए जो आपकी पूरी नाइट जो है आपके इसी को चला दे। तो 8 यूनिट का मतलब यह है कि 150 AH की करीब 8 बैटरी जो हैं वो आपको अपने जो बैंक है उस पर लगानी पड़ेगी, और ये 8 बैटरी करीब 8 यूनिट अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। तो मतलब कि आपका एसी ऑलमोस्ट जो है पूरी नाइट चल सकता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को छोड़ के। अब बात कर लेते हैं कि जो सोलर एयर कंडीशनर है तो सोलर एयर कंडीशनर का क्या सीन है। सोलर एयर कंडीशनर का सीन ये है कि 10 घंटे में वही मैंने बताया कि 10-15 दिन का जो मैक्सिमम पीरियड है उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो करीब 4 यूनिट का उसका जो है खर्चा होता है 10 घंटे का। तो दिन में अगर आप चला रहे हैं और अपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो कोई समस्या ही नहीं है, दिन में सोलर प्लस बैटरी, आपका बैटरी बैंक छोटा भी है तो भी आपका लोड जो है वो चल जाएगा। पर अगर आपको रात में अपना सोलर एयर कंडीशनर चलाना है तो वहाँ के लिए एटलीस्ट आपको जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार वाट की आपके पास बैटरी होनी चाहिए, जिस बैटरी से आप अपने एसी को चला पाए, रात भर इंटरप्टेड चला पाए। तो फ्रेंड्स, दो तरीके हैं कि या तो आप जो हैं
ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी हैं, या तो आप 4 लेड एसिड बैटरी लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिथियम फॉस्फेट की आप बैटरी लीजिएगा 48 वोल्ट 100 AH की। ये प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई बैटरी है और इस बैटरी की जो लाइफ है वो है करीब 25 से 30 साल। कंपनी इस पे 15 साल की वारंटी करती है कि 15 साल के अंदर अगर आप ये बैटरी ख़राब कर लेते हैं तो 50% जो इसकी कीमत है उसमें कंपनी इस बैटरी को बाई बैक कर लेगी। तो अब ये जो बैटरी है ये इतनी पावरफुल है कि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताया कि अगर आपने एसी नहीं लिया है अभी तो फिर आप ये कर सकते हैं कि नेक्सस का आप जो NX1X Sol Ultra वाला मॉडल है जो 150 square feet के लिए है आप उसको ले सकते हैं। और ये बैटरी इतनी कैपेबल है कि रात भर आपकी एसी को चला सकती है और आपके बिजली के जो बिल हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब सीन ये है कि कुछ लोगों को 20 घंटे बना एसी जो है वो अपना चलाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है 10 घंटे नहीं चलाना है, उसके लिए भी आप लोगों को यही करना है कि यही बैटरी आपकी 20 घंटे भी चला देगी। अब वो कैसे चला देगी, वो इस तरह चला देगी कि आप दिन में अपना सोलर लगाइएगा करीब, अगर आपने NX1X Sol Ultra आपने अगर एसी लिया हुआ है तो उसके लिए करीब आप 2 kW का पैनल लगा सकते हैं अगर आपको रात में भी अपना एसी चलाना है तो 2 kW के पैनल में, और एक ये वाली बैटरी ले लीजिए जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसमें क्या है कि तो दिन भर तो आपकी जो बैटरी है वो आपकी सोलर से चल रही है और चूंकि 2 kW आपने पैनल लगाया हुआ है करीब 10 से 12 यूनिट आपको पूरे दिन पैनल से मिलेंगी, दिन में 4 यूनिट आपकी खर्च भी होगी, 5 यूनिट भी खर्च होगी कोई दिक्कत नहीं है, 6 यूनिट भी खर्च होगी तो भी दिक्कत नहीं है, फिर भी 5 यूनिट आपके पास में बचती हैं, 5 से 6 यूनिट आपके पास बचेंगी तो उससे आपकी जो बैटरी वो चार्ज हो जाएगी। चूंकि ये बैटरी करीब 5000 वाट की बैटरी है और इसके अंदर आपको वेस्टेज कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब वेस्टेज का मतलब ये है कि 5000 वाट आप इसमें डालना है तो करीब 4500 वाट इससे आप निकाल लेंगे, वेस्टेज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। पर लेड एसिड बैटरी में अगर आपने 5000 वाट डाला तो आप 2500 वाट ही उससे निकाल पाते हैं, इसलिए आपको बैटरी बैंक जो है वो बहुत बड़ा लगाना पड़ता है या फिर आपको अपना जो सोलर सिस्टम है वो आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने ये नेक्सस का आपने अगर सोलर एसी लिया हुआ है तो ये बैटरी आप ले लीजिएगा जो मैंने आपको बताई, और इसके साथ ही आप 2 kW के आप करीब पैनल ले सकते हैं। 2 kW के पैनल से आपका दिन में भी 8-10 घंटे आपका एसी चल जाएगा और नाइट में भी आपका 8-10 घंटे एसी जो है वो इंटरप्टेड चल जाएगा, जिंदगी भर चल जाएगा, जिंदगी भर आपको देखने की जरूरत नहीं है। बैटरी की लाइफ आप लोगों को बताई है कि बैटरी की जो लाइफ है वो करीब मैंने आपको बताया कि 25 से 30 साल है। लिथियम फॉस्फेट की ये बैटरी है, प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई बैटरी है और आप गूगल करके देख लीजिएगा, प्रिज्मेटिक जो बैटरी की जो एवरेज लाइफ साइकिल होती है वो करीब 3000 साइकिल का सेल जो है वो कंपनी इसमें यूज़ करती है, तो आप समझ सकते हैं खुद ही कि कितनी ज़्यादा जो लाइफ आपको इस बैटरी से मिल जानी है। पैनल पे 30 साल की वारंटी आप लोगों को मिलती है तो पैनल भी आपकी हाई वारंटी का हो गया, हाई लाइफ हो गया, बैटरी भी आपकी हाई लाइफ होगी, तो आप ऑलमोस्ट जिंदगी भर इस एसी को जो है आप फ्री में अपने यहाँ चला सकते हैं। अब सीन यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों को रात में जो है वो अपने एसी चलाने हैं, उनके पास में इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और उनके पास में सोलर एसी नहीं है, तो उन लोगों को ये करना है कि यही वाली जो बैटरी है ये 2 बैटरी आप ले सकते हैं, दोनों बैटरी को पैरेलल करके आप जोड़ सकते हैं। ये इंडिया की पहली ऐसी लिथियम बैटरी है जो पैरेलली कनेक्ट हो जाती है, तो आप एक की बजाय आप 2 बैटरी ले सकते हैं 48 वोल्ट 100 AH की, और आपका इन्वर्टर का एसी है अगर 1.5 टन का तो वो भी आपका पूरी नाइट जो है वो चल जाएगा। अब बात आ जाती है कि ये जो बैटरी है इसकी कीमत क्या है, तो फ्रेंड्स अभी इस बैटरी पे ऑफर पैक चला हुआ है, 15 तारीख तक ऑफर चल रहा है जिसमें 1 लाख प्लस GST में जो है आपको ये बैटरी मिल रही है। नेक्सस की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस ऑफर को, www.nexussolarenergy.in जो है वो हमारी वेबसाइट है, तो वहाँ से आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बाकी इस बैटरी की जो रेगुलर प्राइस है वो है 1,05,400 प्लस GST, और GST चूंकि अलग इसलिए की क्योंकि आप सोलर पैनल के साथ इस बैटरी को बाई करेंगे तो 12% GST लग जाएगी, और आप खाली ये वाली बैटरी बाई करेंगे तो आपको GST 18% देनी पड़ेगी, इसलिए GST को अलग कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को अपने एयर कंडीशनर के साथ में घर के कुछ और लोड भी चलाने हैं, उनका मतलब रेफ्रिजरेटर है उनका, या उनका घर पे इंडक्शन चूल्हा है, या बाकी सारी अब घर पे लोड होते ही हैं, वॉशिंग मशीन भी है, प्रेस भी है, लाइट भी है, फैन भी है, अगर ये वाले भी अगर आप लोगों को लोड चलाने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 kVA या 5 kVA का आप इन्वर्टर लें, उससे कम का आप इन्वर्टर ना लें। कई बार ये होता है कि आप लोग छोटा जो है वो इन्वर्टर ले लेते हैं छोटे पावर का, मतलब 2 kW 2.5 kW उस पर AC भी चल रहा है और आपके वॉशिंग मशीन भी चल रही है, फ्रिज भी चल रहा है, तो इन्वर्टर जो है जब भी अपने मैक्सिमम लोड पर अगर आप इन्वर्टर को चलाएंगे तो उसमें खराब होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ अपने इन्वर्टर को मैक्सिमम उसकी जो क्षमता है उसका 70% पे आप अगर मैक्सिमम चलाते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो
अनइंटरप्टेड आपका चलता रहेगा, उसके अंदर कभी कोई दिक्कत आपकी आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि जो एसी है, या अगर आप एसी लेना है तो आप एसी कहाँ से लें, तो एसी आप मेरे वेबसाइट आपको बता दी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और एसी की जो प्राइसिंग है वो है 45,500 रुपये। तो आप एसी और प्लस बैटरी दोनों भी ये बाई कर सकते हैं, पैनल भी बाई कर सकते हैं, पूरा सिस्टम भी बाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने अपने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि अगर आपको टोटल ये वाला सिस्टम बाई करना है तो कितने रुपए में आप लोगों को पड़ेगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।